दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वेब टेक हट में। दोस्तों, PHP के इस प्रोजेक्ट में अभी तक हमने यूज़र को लॉगिन कराया और पिछली वीडियो में मैंने ये कुछ यूज़र को यहाँ पे टेबल के फॉर्म में शो कराया और इस वीडियो में हम उनका यहाँ पे स्टेटस शो कराएंगे, ऑनलाइन है कि यूज़र ऑफलाइन है। ठीक है, तो अभी हम इसी पूरे प्रोसेस को पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना कोड एडिटर ड्रीमवीवर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने सारे प्रोजेक्ट को ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर रखा है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैं इसका जो डेटाबेस है, जो मैंने चैट ऐप नाम का डेटाबेस बनाया, इसमें हमने सबसे पहले तो यूज़र्स वाले टेबल में से यूज़र्स फैच किए थे लॉगिन करने के लिए। ठीक है, अब जैसे ही यूज़र लॉगिन होगा तो यूज़र स्टेटस वाले टेबल में भी हम यूज़र आईडी यूज़र की डालेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर जो यूज़र्स में यूज़ हो रही है आईडी, वो यहाँ पे प्राइमरी की है और यूज़र स्टेटस वाले टेबल में यूज़र आईडी फॉरन की बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटस आईडी जो है ये ऑटो इंक्रीमेंट मैंने ले रखी है और स्टेटस टाइम में मैंने टाइम स्टैम्प लगा रखा है। ये जब यूज़र लॉगिन होगा तो उसका जो करंट टाइम जब वो लॉगिन होगा वो यहाँ पे डेट और टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो हम लॉगिन वाले प्रोसेस के साथ यहाँ पे यूज़र आईडी को इंसर्ट करते हैं। तो लॉगिन हमने किया था model.class.php में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्को के ऊपर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो आईडी है ना इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे $UID हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं और सिंपली हम यहाँ पे क्यूरी रन करा देते हैं। $Q इसको हम नाम ले लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे एक इंसर्ट की क्यूरी हम रन कराएंगे, तो इसी टेबल में SQL में हम इंसर्ट की क्यूरी चेक कर लेते हैं। सिर्फ हमने यूज़र आईडी इंसर्ट करानी है, ज़्यादा कुछ नहीं, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं उसको हम हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ को नीचे कर लेते हैं। स्टेटस आईडी है जो, वो तो ऑटोमेट इंक्रीमेंट है, वो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो स्टेटस टाइम भी टाइम स्टैम्प लगा हुआ है, तो इसी की भी हमको ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ हमको यूज़र आईडी इंसर्ट करानी है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ऊपर हमने आईडी ली है वेरिएबल में $UID उसको इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्यूरी और इस क्यूरी को अब हम रन कराएंगे। ठीक है, इस क्यूरी को हम रन कराने के लिए $this कनेक्शन वेरिएबल को, डेटाबेस को हम यहाँ से कॉल करेंगे। ठीक है, और आगे सिंपल लिखेंगे क्यूरी, और क्यूरी में जो हमने यह $Q क्यूरी लिखी है। ठीक है, तो ऐसे ये क्यूरी चल जाएगी और डन हम ऐसे रहने देंगे। ठीक है, एक बार हम लॉग आउट करके लॉग इन कराते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे डेटाबेस में हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स आते हैं कि नहीं, यूज़र की यूज़र आईडी आती है कि नहीं। ठीक है, तो हम लॉग इन करते हैं, यहाँ पे राजवंश को ही लॉग इन करा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे यूज़र आईडी 2 आ चुका है। ये स्टेटस आईडी आप देख रहे होंगे कि 132 क्यों है, क्योंकि दोस्तों पिछले प्रोजेक्ट में मैंने इसी डेटाबेस को यूज़ किया था, तो उसमें जब भी मैं लॉग इन करा रहा था तो आईडी इंक्रीमेंट हो रही है ऑटो। ठीक है, तो ये इसलिए 132 से यहाँ पे शुरू हुई है, तो यहाँ पे डेट और टाइम स्टैम्प की वजह से आ गया। तो यूज़र आईडी 2 है, इंसर्ट हुई है, ये देखिए राजवंश की आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, ये 2 है आईडी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे यूज़र आईडी फॉरन की 2 उसकी इंसर्ट हो गई। तो इतना काम हो गया। अब हमने क्या करना है कि जब भी यूज़र लॉगिन हो तो ये टाइम अपडेट होता रहे। ठीक है, लॉगिन एक बार तो टाइम आ गया, जब यूज़र ने ब्राउज़र में लॉगिन है तो टाइम अपने आप अपडेट होता रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एजेक्स को कॉल करेंगे। तो index.php में जाएंगे, इसके बीच में हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन ऑटो टाइम, कुछ भी आप नाम दे दे इसको, थोड़ा सा मैं लंबा नाम देता हूँ ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये हमने एक फंक्शन बनाया
अभी इसके बीच में हम क्या करना चाहेंगे, हम ये सारा जो ऊपर मैंने एजेक्स लिख रखा ना, इस सारे को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सेम ही हम उसे जो यूआरएल है ऑपरेशन डॉट पीएचपी उसी यूआरएल में जाएंगे, ठीक है। दोस्तों अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो वो एक दो बार रिपीट करके देखे तो आपको पता चल जाएगा। और सिंपल पीएचपी में मैंने ये बना रखा है, एक यूज़र स्टेटस को ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे शो कराना है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट अपडेट टाइम आएगा जब भी एक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिटर्न अभी कुछ नहीं करना, तो एक बार टेस्टिंग के लिए मैंने एक ना टेस्ट आईडी बना रखी है, तो उसमें मैं रिटर्न करके देख लेता हूँ अगर कोई एरर आएगा तो, ठीक है। तो इतना काम हमने कर लिया। तो अब हम इस फंक्शन को ऊपर एक बार कॉल भी करा देते हैं इसी फाइल में, यहाँ पे फिर हम इसको ऑटो इंटरवल में सेट करेंगे ताकि कुछ समय बाद ये कॉल होता रहे फंक्शन। तो अब हम जाएंगे ऑपरेशन डॉट पी एच पी की फाइल में, एक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि उधर हम बताएंगे ना कि अगर एक्शन यहाँ पे भी पोस्ट हो, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, अब यहाँ पे बताएंगे यहाँ पे इफ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट में अगर एक्शन आए, एक्शन वो उसमें क्या है भाई, किसके इक्वल हो, तो यहाँ पे अपडेट टाइम उधर हमने लगाया था अगर ये वाला एजेक्स कॉल हो, ठीक है। तो तब हमने क्या करना है, तब हमने एक यहाँ से कंट्रोलर का बनाना है ऑब्जेक्ट। तो कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले तो कंट्रोलर में फंक्शन बनाना पड़ेगा। कंट्रोलर में फंक्शन बनाने से पहले हम एक मॉडल में, मैं सारी क्यूरी अपनी मॉडल में लिख रहा हूँ, तो मॉडल में लिख रहा हूँ तो इसलिए यहाँ मॉडल पे एक प्रोटेक्टेड फंक्शन बनाऊँगा, प्रोटेक्टेड। और यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं फंक्शन, और यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड फंक्शन यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे इसमें मैं कुछ भी लेके नहीं आऊँगा उधर से, और टाइम ज़रूर उधर से लेके आएंगे, ठीक है। जो करंट टाइम हमने अपडेट कराना तो वो टाइम मैं उधर से लेके आ सकता हूँ ऑपरेशन वाले में से। तो यहाँ पे डॉलर टाइम लिख देता हूँ, ठीक है। तो टेबल वगैरह कुछ भी मैं इसमें यहाँ से उधर से नहीं लेके आऊँगा, मैं सारी क्वेरी यहाँ पे लिखूँगा। ये देखिए जैसे ऊपर वाले मैंने टेबल उधर से लेके आया था, अभी इस टेबल को अपडेट कर दो। तो टेबल भी वही है, हमने नहीं सारा कुछ यहाँ से यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो पहले तो मुझे सेशन आईडी चाहिए क्योंकि उसके इक्वली हम अपडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूरी डॉलर क्यू इक्वल टू, यहाँ पे हम क्यूरी रन करेंगे अपडेट वाली। तो हमने क्या करना है, इसी टेबल को अपडेट कराना, तो अपडेट वाली क्यूरी को चेक उठा लेते हैं एक बार सारी कोई, एक बार इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं अपडेट यूजर स्टेटस सेट। सेट हमने क्या करना है, हमने करना है टाइम सेट, ठीक है। तो ये जो दूसरी चीज़ें हैं उनको एक बार मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो मैं टाइम उधर से लेके आऊँगा, टाइम डॉलर टाइम, ऊपर मैंने जो आर्गुमेंट दे रखा है और वेयर की कंडीशन जो है उसमें वी एक कंडीशन मैं लगाऊंगा वेयर यूज़र अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो जैसे कि ये यूज़र अंडरस्कोर आईडी है, इसको मैं हटा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। वे यूज़र अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू किसके होगी भाई, ये जो इधर आईडी है, ठीक है, इसी के, ठीक है। तो यहाँ पे इस आईडी को लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्यूरी बन गई, अब हम इस क्यूरी को रन करेंगे। तो
इधर से हमने रिटर्न कुछ भी नहीं कराना, तो सिंपल इसको ही कॉपी कर लेते हैं। जैसे हमने ऊपर क्वेरी रन किया, टाइम हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो इसको रिटर्न नहीं कराता, एक बार मैं ऐसे ही चलने देता हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने जो कंट्रोलर में जाना है, कंट्रोलर में जाके इसको एक फंक्शन को रिटर्न कराना है एक और फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोलर में ऑलरेडी मेरे पास ये फंक्शन बने हुए हैं, मैंने शायद बनाए थे, तो इनको एक बार मैं ये जो टाइम वाला है ना, यहाँ पे मैं रिटर्न ही करा देता हूँ अपडेट टाइम, और यहाँ पे मैं एक टाइम ही लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसी फंक्शन को मैं क्या करूँगा, अपडेट टाइम वाले को डॉलर दिस डॉट अपडेट टाइम, यहाँ पे थोड़ा एरर ये शो करा रहा है, ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेड सिंटैक्स रिटर्न अपडेट टाइम 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 पब्लिक फंक्शन, ये देखिए एरर चला गया, ठीक है। तो इसका अब हमने कंट्रोलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और टाइम अपडेट वाले को कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम ऑपरेशन डॉट पी एच पी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम डॉलर कॉन इक्वल टू न्यू कंट्रोलर, कंट्रोलर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। और अगर दोस्तों आपको ये नहीं ना पता चल रहा कि ये मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या यूज़ कर रहा हूँ, कैसे क्लासेस वगैरह काम कर रही है, तो आप सिंपल जो मैं क्वेरी लिख रहा हूँ वो उस पर ध्यान दीजिए। उस क्वेरी को आप नॉर्मल पीएचपी में लिख के ये सारे चीज़ें अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन के बीच में भाई जो है फंक्शन कौन सा था हमारा, एक बार मैं देख लेता हूँ कंट्रोलर में जाके, टाइम अपडेट वाला, ठीक है। टाइम अपडेट वाला यहाँ से एक टाइम भी लेके जा रहा है साथ में, तो ये देखिए, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे टाइम भी दूंगा ऑपरेशंस में, तो यहाँ पे मैं इसको टाइम दूंगा भाई करंट टाइम। तो करंट टाइम डेट के लिए एक डेट फंक्शन डेट होता है, बट मैंने नीचे टाइम लिया तो मैं टाइम ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डेट डेट फॉर्मेट होता है एक ईयर मंथ डे, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक इधर थोड़ा सा टाइम होता है, इसको हम सर्च कर लेते हैं गूगल पे, अगर कोई एरर ना आए तो। टाइम में हम कौन कौन सी लेते हैं चीज़ें, तो डेट पीएचपी, तो इसको मैं सीधा निकाल लेते हैं, ठीक है। डब्ल्यू थ्री स्कूल को भी ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा डेट वाला, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पे जो भी डेट फंक्शन के बीच में हम लिख सकते हैं, जैसे कि ये टाइम के लिए एच आई एस, एच फॉर आवर, आई मिनट और एस फॉर सेकंड, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ये टाइम वेरिएबल में जो करंट टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से इधर जाएगा और यहाँ से ये जाएगा कंट्रोलर में, कंट्रोलर में ये प्रोटेक्टेड फंक्शन जो है वो कंट्रोलर में कॉल होगा अपडेट टाइम वाला। तो ये देखिए ये रहा, तो ये यहाँ पे टाइम अपडेट कर देगा। तो अब हम क्या करते हैं, इंडेक्स में देखते हैं कि इसको कॉल हमने कराया कि नहीं। ये देखिए ऑटो टाइम अपडेट को हमने कॉल कराया हुआ है, और अभी हम रिफ्रेश करेंगे पेज को। पहले हम टाइम यहाँ पे चेक कर लेते हैं अभी कौन सा है। ये देखिए 8:27, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं,
ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे जो करंट टाइम है वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो ये एक तो हमारा कोड अच्छे से रन कर रहा है। ठीक है, तो एक तो ये काम हो गया। ठीक है, एक हमने इसको ना थोड़ा ऑर्डर बाय अपडेट करना है, तो ऑर्डर बाय इसको, क्योंकि अगर हम लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे कुछ और रिकॉर्ड्स भी आ जाएंगे, तो वो सारे रिकॉर्ड्स में यहाँ पे अपडेट कर देगा यहाँ पे ये टाइम है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सेट करने के लिए, तो उसको ऑर्डर बाय अपडेट करने के लिए एक मुझे कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम अपडेट कर रहे थे, हमारे मॉडल में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे लिख देंगे हम ऑर्डर बाय स्टेटस आईडी, जो स्टेटस आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिमिट 1। ठीक है, तो एक ही जो हम लॉग इन करेंगे तो जो भी एंड पे हमने लॉग इन किया हो उसके अकॉर्डिंग ये टाइम अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया। अब एक बार फिर टाइम अपडेट करके हम चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे टाइम अपडेट होगा। तो ये काम हमारा सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब हमने यूज़र स्टेटस शो कराना है ऑनलाइन है कि ऑफलाइन, तो उसके लिए हमको इसी टाइम को चेक करना पड़ेगा। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम पूरा डेटा यहाँ फेच कर रहे हैं वो देखते हैं, ऑपरेशंस डॉट पीएचपी में हम सारा डेटा लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर ईच के नीचे मैं एक फंक्शन लिखूँगा, फंक्शन को कॉल तो हम बाद में करेंगे, पहले मैं एक फंक्शन, यहाँ फंक्शन का नेम लिख देता हूँ, फंक्शन का नाम लिख देता हूँ गेट गेट लेटेस्ट टाइम। ठीक है, ये थोड़े नाम लंबे हैं, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। और इसमें मैं क्या पास करूँगा, मैं इसमें पास करूँगा डॉलर रो में जो आएगी भाई आईडी। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे यूज़र्स लॉग इन नहीं हुए होंगे तो उनका लेटेस्ट टाइम गेट हो जाएगा, तो उनको ही हमने चेक करना है। ठीक है, तो गेट लेटेस्ट टाइम, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नीचे कॉल कराऊँगा सबसे एंड में। ठीक है, यहाँ पे मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूँगा। ठीक है, गेट लेटेस्ट टाइम, यहाँ पे मैं फंक्शन गेट लेटेस्ट टाइम, और यहाँ पे ये क्या लेके जाएगा, एक आईडी लेके जाएगा। ठीक है, एक यूज़र आईडी, ठीक है, यू आईडी इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक हम यहाँ पे क्वेरी रन करा देते हैं। ठीक है, तो क्वेरी हम रन कराएंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर मॉडल वगैरह में जाते हैं तो थोड़ा लंबा हो जाता है प्रोसेस। ठीक, सही प्रोसेस तो वही है, बट ऐसे सीधे ही रन करा देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, यूज़र्स वेयर 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 यूज़र यूज़र आईडी चेक करनी है हमने यहाँ से, तो यूज़र आईडी के अकॉर्डिंग ही हम फैच करेंगे डेटा। वेयर यूज़र आईडी किसके बराबर है, जो हमने ये डॉलर यू आई डी लिखी है। ठीक है, और यहाँ पे भी ऑर्डर बाय लिखना पड़ेगा, ऑर्डर बाय किसके लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऑर्डर बाय हमें लिखना पड़ेगा टाइम स्टेटस के, क्योंकि और रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे होंगे। ठीक है,
टाइम स्टेटस। इस ऑर्डर बाय को ना मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ ताकि, क्योंकि मैंने जूम इन किया हुआ है ताकि DSC लिमिट 1, ठीक है। तो ये कोड रन होगा, इसमें हमने रिटर्न कराना है कुछ, तो सबसे पहले तो हम इस क्वेरी को फायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेरी फायर नहीं होगी क्योंकि हम यहाँ पे जो क्या कर रहे हैं, डेटाबेस को इधर नहीं चला रहे, डेटाबेस को तो हमने मॉडल में कनेक्ट किया, तो हमें ये सारा फंक्शन मॉडल में ही लिखना पड़ेगा। तो एक बार मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा कंट्रोलर का। तो इस क्वेरी को हम सारी को मॉडल में हम ले चलते हैं। तो मॉडल में यहाँ से मॉडल में एक हम पब्लिक फंक्शन बना लेंगे, पहले हम प्रोटेक्टेड बनाते थे, बट मैं कंट्रोलर का यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पे। पब्लिक फंक्शन फंक्शन गेट अपडेट टाइम, ठीक है। तो यहाँ से उधर क्या आएगी, उधर आएगी एक आईडी यूआईडी, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्वेरी को सारी को लिख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस क्वेरी को यहाँ पे रन कराएंगे, डॉलर दिस रिजल्ट इक्वल टू डॉलर कनेक्शन, और आगे दिस लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि कनेक्शन वाले को भी हम डेटाबेस को एक्सेस दिस लगा के यहाँ पे कर पाएंगे। और सिंपल यहाँ पे क्यूरी, ठीक है, डॉलर यहाँ पे क्यू, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे डॉलर दिस रिजल्ट के बीच में अगर नंबर्स अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज बड़ा है 0 से, देन क्या करो, देन करो हम यहाँ पे एक ही चीज रिटर्न होगी। तो यहाँ पे डॉलर रो इक्वल टू डॉलर दिस, यहाँ पे मैं फिर रिजल्ट को कॉल करूँगा और रिजल्ट के आगे फैच अंडरस्कोर एसोसिएटेड अरे, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिटर्न कराऊँगा रिटर्न डॉलर रो, रो के बीच में मैं रिटर्न कराऊंगा टाइम, रिटर्न मैंने कराना है। तो टाइम रिटर्न कराने के लिए हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पे क्या है इसका की, तो इसका की स्टेटस टाइम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ स्टेटस टाइम, ठीक है। तो अब मैंने वहाँ पे मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल कराना है, ठीक है। तो मॉडल क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा डायरेक्ट वहाँ पे ऑपरेशंस में, ठीक है। डॉलर MOD लिख लेते हैं हम इसको, इक्वल टू न्यू मॉडल और डॉलर MOD के बीच में क्या था हमारा वो फंक्शन, उसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या नाम है भाई उसका। उसका हमने नाम दिया है गेट अपडेट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशंस में जाते हैं, ठीक है, यहाँ से ये आईडी इधर से ले लेगा, ठीक है। तो हम इसी को यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न
है, और जो हमने इधर फंक्शन लिखा है वहाँ पे हम इसको एको कर देंगे एक बार एको। अब हम रिफ्रेश करेंगे जाके अपने ब्राउज़र में, भाई क्या हमें मिल रहा है। तो अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि हमने किसी और यूज़र को अभी लॉगिन ही नहीं कराया, तो हमें उसका टाइम कैसे मिलेगा। ठीक है, तो एक दो यूज़र्स को हमने यहाँ पे लॉगिन कराना है, तो इस ब्राउज़र में जाके मैं क्या करता हूँ, दूसरे वाले यूज़र को लॉगिन करा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम के एक यूज़र को लॉगिन करा लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन कराया, ये देखिए इधर मैं ये दूसरे यूज़र का टाइम मिल गया, तो इधर भी अभी ऊपर एक हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो जैसे हम रिफ्रेश करते हैं, ये वन वाले का मुझे मिलना चाहिए 5 2 3 यहाँ पे, तो ये देखिए वन वाले का इधर मिल रहा है, और दूसरे में मुझे मिलना चाहिए 5 2 2 ये देखिए, ये दूसरे मुझे 5 2 2 मिल रहा होगा। ठीक है, ये अपडेट भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा टाइम बाद, इसलिए ये थोड़ी ऐसी दिक्कत पेश हो रही है। ठीक है, तो अब एक और यूज़र को भी मैं, जो मेरा यूज़र बचा ना, उसी को भी हम एक बार लॉगिन करा ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट विंडो एक ओपन कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे गुरविंदर नाम के एक यूज़र को मैं लॉगिन करा लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इसके पास दो टू यूज़र्स का आ गया, तो इसको एक बार हटा देता हूँ। ठीक है, और एक बार इसी को हटा देता हूँ, और एक एक बार मैंने सबको लॉगिन करा लिया, और यहाँ पे दो यूज़र्स का टाइम आ गया। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने एक लेस टाइम गेट करना है। तो जैसे हमने डेट को लिया था, टाइम को लिया था, टाइम को हमने लिया था ऑपरेशंस में, ये देखिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं टाइम वाले को। तो इसी को कॉपी करने के बाद यहाँ पे इधर हम इसको कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ, इसी को पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं नाम देता हूँ कट टाइम। इसको हम थोड़ा सा ना टाइम को कट करेंगे, और यहाँ पे str टू टाइम एक फंक्शन होता है, और इसमें हम टाइम को कट करेंगे। तो टाइम को कट करेंगे हम 10 सेकेंड्स, तो -10 सेकेंड्स हमने कट किए यहाँ पे। एक बार इसको ऐसे देखते हैं। ठीक है, और इसमें बीच में कोई एरर आ रहा है भाई, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर सिंटैक्स 10 सेकेंड्स, अब देखते हैं। अच्छा, ये मेरे हिसाब से आ रहा होगा, एक बार मैं इसको ना थोड़ा सर्च कर लेता हूँ str कट टाइम वाले को गूगल पे, कुछ गलती होगी। कट टाइम कट टाइम रिमूव पार्ट ऑफ टाइम स्टैम्प रिमूव टाइम एंड मोर, दोस्तों मैंने सर्च कर लिया थोड़ी वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक तो देना पड़ेगा भाई कॉमा। ठीक है, तो ये देखिए चला गया ना, -10 सेकंड हमने कट कर लिए। ठीक है, अब ये कट टाइम वाले को एक बार मैं एको कर देता हूँ ऐसे ही। यहाँ पे हम इसको आउटपुट में जहाँ पे एको करते हैं, यहाँ पे मैं इसको एको कर देता हूँ, तो चेक करता हूँ कि कट टाइम हो रहा है कि नहीं। एक बार इसको बंद कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए 5 2 7 31 था, और लोकल होस्ट में मैं जाके देखता हूँ कि
अपडेट टाइम भी हुआ होगा इसका करंट यूज़र का, तो वहाँ पे टाइम चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अगर टाइम एक बार चला गया तो फिर रीलोड कर लेंगे। ठीक है, तो 5277 एक बार इसको रीलोड करते हैं। 5277 ये देखिए टाइम कट हो रहा है। ठीक है, मैंने 10 सेकंड कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम कर रहा है कट टाइम वाला। और अब हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे ही, हमने फंक्शन कॉल किया तो इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ डॉलर। यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ ये जो हमारा फंक्शन है भाई, अगर ये बड़ा है किससे, डॉलर कट टाइम वाले से, देन क्या हो, एको कर दो। एको तब कर दो ऑनलाइन, तो देखते हैं कि ऑनलाइन एको करता है कि नहीं ये। ठीक है, किस किस में ऑनलाइन एको करता है, तो अगर ऑनलाइन एको ना हुआ तो हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए टाइम ये बड़ा आ रहा है कट टाइम वाले से, तो ऑनलाइन एको हो रहा है। ठीक है, एल्स की कंडीशन में हम ऑफलाइन लगाएंगे यहाँ पे, एल्स एको क्या कर दो ऑफलाइन। ठीक है, तो अभी ये ऑनलाइन ही हो रहा है क्योंकि हमारे कट टाइम वाले में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है। ठीक है, सेकंड्स, तो एक बार कुरान टाइम और कट टाइम दोनों हम देख लेते हैं एको करके। तो ये तो कुरान टाइम कट टाइम हो गया, और एक यहाँ पे str2 टाइम को रिमूव करके नॉर्मल टाइम, ठीक है, कट टाइम और कुरान टाइम दोनों एको कर लेते हैं। एको डॉलर टाइम, और एक हम एको कर लेते हैं डॉलर कट टाइम। दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप देखिए क्या होता है। और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए 55 सेकंड। एक बार br टैग ले लेते हैं ताकि ना इसमें हमें br, ठीक है, अब देखते हैं ये इसने लाइन नंबर यहाँ पे एरर शो कर दी है br में। चल भाई अब तो चल जा, ये देखिए यहाँ पे 530, 10 सेकंड कम हो रहा है, तो 10 सेकंड कम हो रहा है, तो यूज़र्स को इसको ऑनलाइन शो नहीं करना चाहिए, इसको ऑफलाइन शो करना चाहिए। तो इसमें क्या दिक्कत क्या है। ठीक है, 10 सेकंड नीचे वाला कम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो हमारा टाइम अपडेट नहीं ना हो रहा, अपडेट वाला को हमने सेट इंटरवल में नहीं सेट किया है, तो इसलिए ये एक दिक्कत पेश हो सकती है। तो यहाँ पे हम अपडेट कर रहे थे, इंडेक्स वाले एजेक्स को कॉल कर रहे थे, और इसको ऑटोमेटिक सेट इंटरवल का एक वही फंक्शन होता है हमारा। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 3-3 सेकंड्स बाद ये अपडेट हो।
ये 3-3 सेकंड्स बाद अपडेट होगा, ये एरर कोई एरर नहीं है ये, ठीक है। तो एक बार ना मैं एक यूज़र को लॉगिन करा के देखता हूँ दूसरे टैब से, इसका स्टेटस जो है चेंज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अमरदीप को लॉगिन कराता हूँ, ठीक है। और इधर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, दोस्तों असल में दिक्कत कहाँ पे आई ये देखिए, मैंने ना अभी यहाँ पे जो यूज़र्स का टाइम उधर डेटाबेस से आ रहा है उसको भी एक्को करके दिखाया, ठीक है। तो ये देखिए ये दिक्कत है, यहाँ पे दो डॉट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे सिंपल एक डंडा लगाया मैंने, तो ये बहुत बड़ी मैंने गलती कर दी थी। तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, तो इसलिए ये प्रॉपर वे से उसको फैच नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अब इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए एक ऑफलाइन आ गया और एक ऑनलाइन आ गया, ठीक है। तो गुरविंदर को हमने इधर किया हुआ है, अमरदीप को किया हुआ है, तो गुरविंदर ऑफलाइन है और अमरदीप ऑनलाइन है, ठीक है। तो हमारा कोड वो सक्सेसफुली रन कर रहा है, इसकी अब हमें नहीं ज़रूरत जो हमने ये एक्को कर रखे हैं इतनी चीज़ें, तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, हमारा कोड जो ना रन कर रहा है ये ऊपर मैंने इसको वेरिएबल में ले लिया फंक्शन को, एक क्योंकि नीचे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा था, तो वीडियो पॉज करके मैंने ये इतना काम किया है, इसको वेरिएबल में लिया है, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ठीक है। तो एक्को ऑनलाइन और एक्को ऑफलाइन ये एक अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने दिखाना तो नीचे है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ डॉलर स्टेटस, वेरिएबल एक, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा स्टेटस डॉट इक्वल टू ऑनलाइन, और इसी सारे को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट भाई इसको ऑफलाइन, ठीक है। तो अब इस स्टेटस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे, ये देखिए भाई, ठीक है। अब रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या होता है, ये देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ये 2 बार यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमने उधर एक्को नहीं किया है, तो ऑनलाइन भी आ गया तो ऑफलाइन भी आ गया, ठीक है। इफ़ की कंडीशन तो चल रही है, एक्को स्टेटस इज इक्वल टू ऑनलाइन, दोस्तों ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया, डॉट लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डॉट की वजह से वो दोनों को लिख रहा था, तो यहाँ पे एक्को लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए अब अमरदीप ऑनलाइन है, अमरदीप ऑनलाइन है और गुरविंदर ऑफलाइन है, ठीक है। तो जैसे ही मैं गुरविंदर को यहाँ पे लॉग आउट कराता हूँ और इधर रिफ्रेश करते हैं, अमरदीप को लॉग आउट मैंने कराया भाई, और यहाँ पे हाँ रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे ये देखिए ऑफलाइन शो हो गया। बट अगर अगर हम चाहें कि हमें रिफ्रेश ना करना पड़े भाई, वैसे ही शो होता रहे, तो उसके लिए भी सोल्यूशन है, उसके लिए जो हम ये यहाँ पे फैच कर रहे थे ना यूज़र्स को, एजेक्स को, गेट यूज़र्स को, इसको कॉपी करो सारे फंक्शन को, इसको इंटरवल वाले में डाल दो, ठीक है। और इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी यूज़र लॉग आउट होगा तो एजेक्स कॉल हो जाएगी खुद ब खुद और हमारा कोड रन हो जाएगा, ठीक है।
तो जैसे एक नई, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अमरदीप को लॉगिन कराता हूँ, ठीक है। ये देखिए जैसे मैंने लॉगिन किया, यहाँ पे कुछ सेकंड बाद वो हमारा फैच यूज़र्स वाला, वो 3 सेकंड बाद वो कॉल होना चाहिए और यहाँ पे पता चल जाए, ठीक है। या पहले तो ये देखिए, इधर तो ऑनलाइन दिख रहा है, राजमाच ऑनलाइन दिख रहा है ना, तो बट इधर अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो थोड़ा मेरे हिसाब से फंक्शन कॉल हमारा नहीं हुआ, ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट नहीं गई, तो चेक कर लेते हैं हम एजेक्स रिक्वेस्ट गई कि नहीं। ऑपरेशंस डॉट पी एच पी में ये रिक्वेस्ट जाती है अपडेट टाइम वाली, और ये साथ में रिक्वेस्ट अपडेट टाइम वाली गई है, अपडेट टाइम वाली जा रही है, तो वो अभी तक नहीं गई, ठीक है। तो वो कॉल नहीं हुआ हमारा फंक्शन गेट यूजर्स वाला, ठीक है। तो क्या हम एक बार इसको यहाँ से इसको हटा के देखते हैं कि अब कॉल हो रहा है कि नहीं इंटरवल में, ठीक है। 3 सेकंड बाद अपने आप यूज़र आएंगे, ये देखिए कॉल हो गया, ठीक है। तो हमने उसको हटा दिया और ये 3 सेकंड बाद यूज़र्स हमारे पास आ रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ, तो इधर लॉग आउट अब होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये देखिए ऑफलाइन आ गया, ठीक है। जैसे ही मैं इधर लॉग इन करता हूँ, जैसे मैं इधर अमरदीप को लॉग इन करता हूँ भाई, तो अमरदीप यहाँ पे ऑनलाइन शो हो गया, ठीक है। तो एक मैं दूसरे यूज़र्स को भी लॉग इन कर लेता हूँ, गुरविंदर को भी, ठीक है, न्यू प्राइवेट विंडो में। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ गुरविंदर को लॉग इन, ये देखिए एक तो राजवंश लॉग इन है और एक अमरदीप है, और हमको ये सारा स्टेटस शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और इसका जो भी पासवर्ड है वो डालता हूँ, इसका 3 2 1 है, तो उसको लॉगिन करते हैं। ये देखिए गुरविंदर लॉगिन हो चुकी है, ये देखिए इसके पास दोनों यूज़र्स आ गए हैं ऑनलाइन। तो अब जैसे ही मैं इस विंडो में जाऊँगा, ये देखिए यहाँ पे गुरविंदर लॉगिन है, तो पेज को रिफ्रेश करे बिना मेरे पास सारे यूज़र्स ऑनलाइन है, ठीक है। जैसे ही मैं इस यूज़र को लॉग आउट करता हूँ अमरदीप वाले को, तो यहाँ पे ऑफलाइन आ जाएगा, ठीक है, अमरदीप के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे हम स्टेटस वगैरह ऑनलाइन और ऑफलाइन शो कर रहे हैं, ये देखिए दोस्तों। और इसको हम थोड़ा वो भी लगा सकते हैं, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, वो बाद में हम करेंगे जैसे जैसे आगे वीडियोस लेके आएंगे। तो चैट वाले को भी एक अच्छे कलर्स में हम लेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियोस में हम चैटिंग के प्रोसेस के ऊपर काम करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना, ठीक है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।